हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल इन्हांस स्टडी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर का एक और प्ले चंडालिका, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है द अनटचेबल गर्ल, उसकी समरी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चंडालिका की स्टोरी। तो सबसे पहले, हर बार की तरह, मैं इसमें कैरेक्टर जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे उनको डिस्कस कर रही हूँ। तो इसमें से जो सबसे पहला कैरेक्टर है प्रकृति, जो इस प्ले की प्रोटोगोनिस्ट है, और जो ये प्ले है इसी के अराउंड घूमता है। सेकेंड कैरेक्टर है प्रकृतिज मदर, यानी प्रकृति की माँ। थर्ड कैरेक्टर है आनंद, जो कि बुद्धा का शिष्य है, और सबसे लास्ट में बुद्धा, गौतम बुद्ध। तो ये कुछ थे चार मेजर कैरेक्टर। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि ये चंडालिका प्ले है, ये एक डांस ड्रामा फॉर्म में है। सेकेंड ऑप्शन है अ स्टोरी दैट फाइट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वीमेन आइडेंटिटी एंड क्वेश्चन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ लव। ये स्टोरी बेसिकली वीमेन की आइडेंटिटी सोशल डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है। वीमेन का समाज में, सोसाइटी में क्या स्थान है, लोगों की कैसी सोच है, उसको रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्ले के माध्यम से रीडर तक पहुँचाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट लीजेंड, ये बुद्धि लीजेंड पर बेस्ड है। नेक्स्ट, द टैगोर केम अक्रॉस वायर स्टडिंग राजेन लाल मित्रास द संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये वर्क को उस समय लिखा गया था जब राजेन लाल मित्रा की संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट और साइकोलॉजिकल ड्रामा, ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा भी है। ह्यूमन माइंड पर ये बेस्ड है, लोगों की सोच वीमेन पर कैसी है, उसको यहाँ पर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पोर्ट्रे किया है। और सबसे लास्ट इसमें जो पॉइंट है, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, ये जो ड्रामा है ये पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो ये थे कुछ मेजर पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब आइए देखते हैं इसकी समरी क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग द स्टोरी आनंदा अप्रोचेस टूवर्ड अ विल टू आस्क फॉर वाटर फॉर चंडालनी अ यंग अनटचेबल गर्ल नेम प्रकृति, आनंदा सेज गिव मी वाटर। तो इसकी स्टोरी फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है कि एक दिन प्रकृति, जिसे चंडालिका के नाम से भी जाना जाता है, वो कुएं में, पासी के गांव में कुएं में पानी भरने के लिए जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात आनंद से होती है, जो कि बुद्ध का शिष्य था। वो यात्रा करके लौट रहे होते हैं तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगी होती है, इसलिए वो प्रकृति के कुएं के पास जाते हैं और प्रकृति से कहते हैं गिव मी वाटर, और पानी उसे मांगते हैं जिससे वो अपनी प्यास को बुझा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, शी इन्फॉर्म्ड द आनंदा टू बी अनटचेबल गर्ल नॉट टू सर्व द वाटर, बट आनंदा डज नॉट बिलीव द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोसाइटी एंड इंसिस्ट फॉर वाटर। यहाँ पर प्रकृति अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे रही है, कहती है कि मैं आपको वाटर नहीं दे सकती क्योंकि मैं एक निम्न कुल में पैदा हुई हूँ। तो यहाँ पर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में बढ़ रहा है, उसको यहाँ पर पोर्ट्रे किया है और रीडर तक ये पहुँचाने की कोशिश की है कि आज भी हमारे समाज में जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज भी जो ऊंचे क्लास के लोग हैं निम्न क्लास के लोगों पर डोमिनेट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार भी इस प्ले में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने डिस्क्राइब किया है। तो वो कहती है कि मैं आपको पानी नहीं दे सकती क्योंकि मैं अनटचेबल गर्ल हूँ।
किंतु आनंद जब उसकी बात को सुनता है तो वो उसे कहता है कि मैं ये सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इस समाज में, इस देश में जितने भी प्राणी हैं सब ईश्वर की संतान हैं। वो ये भेदभाव, समाज की जो कुरीतियाँ हैं, लोगों को नीची दृष्टि से देखना, इन पर उसका कोई विश्वास नहीं है। और वो दोबारा इंसिस्ट करता है प्रकृति से कि आप मुझे पानी पिलाएं जिससे मैं अपनी प्यास को बुझा सकूं। नेक्स्ट पॉइंट है, शी सर्व हिम वाटर एंड फॉल्स इन लव विद हिम हियरिंग द आइडियोलॉजी थिंकिंग ऑफ अनंदा। वो उसको पानी देती है और जब उसकी ये आइडियोलॉजी को सुनती है, उसकी इस थिंकिंग को सुनती है, सोच को सुनती है, तो वो उसे प्यार करने लग जाती है। इसके बाद स्टोरी कुछ इस प्रकार बढ़ती है। दोस्तों वो अपने घर वापस जाती है और बुझी बुझी सी बहुत उदास होकर रहने लगती है। एक दिन उसकी माँ उससे पूछती है, बेटी तुम उदास क्यों हो? तो प्रकृति अपनी माँ से कहती है, माँ जब मैं कुएं में पानी भरने के लिए गई थी तो वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने मेरी सोच को चेंज कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आज मेरा दूसरा जन्म हो गया है। उसकी माँ पूछती है, वो कौन था, उसका क्या नाम था? प्रकृति कहती है, माँ उसका नाम आनंद था। प्रकृति की माँ दोबारा उससे फिर कहती है कि क्या तुम उसी आनंद की बात कर रही हो जो कि भगवान बुद्ध का शिष्य है? प्रकृति कहती है, हाँ माँ मैं उन्हीं आनंद की बात कर रही हूँ। माँ आज उनसे मिलकर और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मुझे दूसरा जन्म मिल गया है। माँ मैं उन्हें चाहने लगी हूँ। प्रकृति की माँ तुरंत बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? प्रकृति कहती है, माँ मैं सब जानती हूँ। प्रकृति की माँ फिर कहती है, बेटा क्या तुमने उससे ये नहीं बताया कि तुम एक चंडालिनी हो? माँ मैंने सब कुछ बताया लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस कुल में पैदा हुई हूँ या किस जाति से बिलोंग करती हूँ। प्रकृति अपनी माँ से कहती है, माँ मैं उन्हें पसंद करती हूँ और मैं उन्हें पाना चाहती हूँ। माँ तुम्हें जादू आता है, तुम कुछ करो जिससे वो मेरे पास वापस आ जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हर पैशन टू पोजेस आनंदा कंपेल्स हर मदर टू कास्ट अ मैजिक स्पेल ऑन आनंदा एंड टू ड्रैग हिम टू हर हाउस। वो अपनी माँ से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि माँ तुम्हें जादू करना चाहिए जिससे कि आनंद मेरे पास वापिस आ सके। किंतु प्रकृति की माँ उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि ये गलत है, तुम उसे पसंद करती हो लेकिन वो तुम्हें नहीं पसंद करते। लेकिन प्रकृति अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि मुझे उन्हें पाना है। अपनी बेटी की इस तरह की उदासी और उसकी खुशी के लिए वो मैजिक करने के लिए तैयार हो जाती है और अपना मैजिक स्टार्ट करती है। दोनों माँ बेटी मैजिक स्टार्ट करते हैं और आनंद को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। धीरे धीरे आनंद उनकी तरफ खींचा चला आता है। लेकिन प्रकृति की माँ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी क्योंकि उस पर जादू का इतना ज़्यादा असर पड़ रहा था जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ थी वो धीरे धीरे गिर रही थी। प्रकृति की माँ अपनी बेटी से कहती, बेटी ये जिद छोड़ दे। लेकिन प्रकृति अपनी माँ की बात को भी अनसुनी कर देती है और कहती है, नहीं माँ थोड़ा और जादू करिए। प्रकृति की माँ जादू को स्टार्ट करती है और इस तरीके से करते करते 15 दिन बीत जाते हैं। और एक दिन
प्रकृति के दरवाजे के पास आनंद दस्तक देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट करता है द स्पेल प्रूव्स स्ट्रॉन्ग एंड आनंदा इज ड्रैग्ड बाय चंडालनी। आनंदा प्रेस टू बुद्धास टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दिस सेम एंड रिमोर्स। यहाँ पर प्रकृति की माँ की जादू की वजह से आनंद प्रकृति की ओर खींचा चला आता है और उसके जब दरवाजे पर दस्तक देता है तो प्रकृति दौड़कर दरवाजे के पास जाती है, उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है प्रकृति की माँ उसके दर पैरों पर गिर जाती है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रकृति जब ये सब दृश्य देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। नेक्स्ट पॉइंट बुद्धा ब्रेक्स द मैजिक स्पेल्स एंड फ्रीज द आनंदा हु वॉक्स अवे फ्रॉम द चंडालनी एज प्योर एज ही कैन। बुद्धा के मैजिक से आनंद फ्री हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है और वो चंडालनी के चंगुल से छूट जाता है। इस प्रकार चंडालनी यानी प्रकृति को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। किसी को प्यार करना गलत नहीं है, किंतु प्यार का मतलब ये नहीं कि उस इंसान को पाना। इस प्रकार ये स्टोरी एंड होती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।